हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है और हमारा पूरा फोकस है 70वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम पे। तो इस सीरीज़ में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी के पीटी क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोग 38वीं से लेकर 44 तक के पीटी के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 45वीं बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले लगभग 3000 क्वेश्चन पहले से ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप सबको पता ही है कि आपका कोई सा पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार का हो, किसी और राज्य का हो, उन सब में इन प्रीवियस ईयर मतलब कि पुराने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए और सीरीज़ को ज़रूर ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का अगर पीडीएफ चाहिए ना, तो हम लोग टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आय सीमा क्या है। अब यहाँ बोला है कि जो लोकसभा है ना हमारी, ठीक है, अगर लोकसभा के लिए किसी व्यक्ति को चुनाव में लड़ना है तो उसके लिए उसकी मिनिमम एज क्या है, क्या होती है उसकी मिनिमम एज, तो वो होती है 25 साल। ये तो होगी लोकसभा की। अब देखिए, लोकसभा और आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, ठीक है, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वर्ष होता है, जो एज होती है, वो 25 साल की होती है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या होता है? वो होता है आपका विधान सभा, ठीक है, विधानसभा में। और वहीं पर अगर हम राज्यसभा की बात करें और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, मतलब राज्यसभा हो गया और विधान परिषद, उसमें जो एज होगी वो आपकी होती है 30 साल। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, मतलब राष्ट्रपति की बात, और गवर्नर की, तो इनके लिए चुनाव लड़ने के लिए एज होनी चाहिए 35 साल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो वो रहती है विधान पालिका, ठीक है, विधान पालिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? ठीक है, शून्यकाल का मतलब क्या हो गया? शून्यकाल है आपका ज़ीरो आवर की बात हो रही है, पार्लियामेंट में जो ज़ीरो आवर होता है उसके बारे में पूछा है, वो क्या है? तो उसका सही आंसर है आपका कि प्रश्न उत्तर सत्र होता है, मतलब आंसर क्वेश्चन आंसर का ये सेशन होता है ज़ीरो आवर। अब ज़ीरो आवर से पहले ना क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है, ज़ीरो आवर से पहले क्वेश्चन आवर होता है, जो कि आपके 12 बजे, जो 12 बजे के दोपहर तक होता है, उसके बाद आपका ज़ीरो आवर ये लगता है, जहाँ पर कि क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हुआ है आर्टिकल के बारे में बात हुई है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ठीक है, तो वो करता है आपका अनुच्छेद मतलब कि आर्टिकल 245, जो 245 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो जो संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं के जो प्रावधान होते हैं ना, उनके द्वारा बनाए गए नियमों की प्राथमिकता को प्रदान करता है। तो हमारा ये अनुच्छेद होता है 245 के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ठीक है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है हमारी, उन पर कौन एडवाइस देता है, परामर्श देता है? तो वो देता है आपका एडवोकेट जनरल, मतलब कि महाधिवक्ता। ठीक है, अब ये कहा है, ये आर्टिकल जब का अनुच्छेद है वो 165 के अंदर आता है। ठीक है, 165 के अंदर जो हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं वो राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। फिर है हमारा, ये नहीं करना हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दल मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनको राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल हो गया,
क्षेत्रीय मतलब हो गया रीजनल दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है, तो ये होता है हमारा इलेक्शन कमीशन मतलब कि चुनाव आयोग का। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही किसी भी पार्टी को ये बोलती है कि यह पार्टी आपकी नेशनल लेवल की है या फिर यह पार्टी आपकी रीजनल लेवल की है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जो हमारी दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी थी पहले वो रीजनल थी लेकिन अब वो नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो इस तरीके से ये काम कौन करता है, ये काम करता है चुनाव आयोग। अब है संविधान का 73rd जो संशोधन है वो संबंधित किससे है। ठीक है, मतलब कि 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका पंचायती राज प्रणाली से। किससे है, जो पंचायती राज आपकी प्रणाली है उससे ये हमारा जो संशोधन है वो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो संबंध रखता है। अब ये कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था कि 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, मतलब कि 1993 को ये हमारा अमेंडमेंट हुआ था। चलिए अब है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। ठीक है, आपको पता है जो हमारा पंचायती राज है उसमें 3-tier सिस्टम है, तो इसमें यही पूछा है कि जो त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आता है। तो देखो पहले आता आपका ग्राम पंचायत, उसके नीचे पंचायत समिति। ठीक है, सबसे नीचे आपका ग्राम पंचायत है। ठीक है, उसके ऊपर आपका आएगा पंचायत समिति, फिर उसका आपका आएगा जिला परिषद, ये इसका टायर होता है। ठीक है, सबसे लोअर पर क्या होता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नहीं करना है, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां में क्या बोला है कि भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अब देखो हमारे ऊपर की जो ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि पंचायती राज से पूछा गया है, तो इसमें यही पूछा गया कि जो पंचायती राज है वो किसके अंदर आता है, क्या वो मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, मौलिक कर्तव्य मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, या फिर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मतलब कि DPSP में आता है। तो इसका सही आंसर हमारा यही है कि ये DPSP में आता है। कौन से अनुच्छेद में आता है, आर्टिकल में आता है, तो वो आता है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में बोला गया है कि यहाँ पर हमारे देश में एक विलेज पंचायत होनी चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि अपना सेल्फ गवर्नमेंट चला के चलाएगी। ठीक है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो सेल्फ गवर्न करेंगे अपने आप को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नहीं करना, हमें 15 पे चलना है। 15 में क्या है कि यहाँ पे लिखा है सापेक्ष निर्धनता मतलब रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या है, क्या होता है रिलेटिव पॉवर्टी, तो ये होता है आपका आर्थिक असमानता है। अब ये क्या होता है, देखो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मान लो 2% है, ठीक है, या फिर 1% है, वो अपने आप को कंपेयर करता है दूसरे कम्युनिटी से, सोसाइटी से, या फिर पर्सन से कि ये जो इंसान है इसके पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेरे पास ये गाड़ी बंगला नहीं है तो मैं इस इंसान के कंपैरिजन में थोड़ा पॉवर्ट हूँ मतलब कि थोड़ा मैं गरीब हूँ। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं दो लोगों में, एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जैसे रिलायंस है, ठीक है, जो रिलायंस के जो मालिक हैं और उनसे नीचे लोग थोड़े कम अमीर, जैसे कि अगर अपने बॉलीवुड के स्टार्स को ही ले लें, ठीक है, बॉलीवुड के स्टार्स हो गए अमिताभ बच्चन और सलमान खान और शाहरुख खान, कोई भी स्टार्स बॉलीवुड के स्टार, अगर वो देखो उनके पास भी पैसा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो लोग गरीब हैं, लेकिन अगर ये लोग रिलायंस के मालिक से अपने को कंपेयर करेंगे तो इसकी तुलना में ये लोग थोड़े गरीब होंगे। तो इसी कंपैरिजन को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, गरीब नहीं है लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं अपने से अमीर आदमी की, तो ये होगी हमारी रिलेटिव पॉवर्टी। यही हमारा आंसर है कि आर्थिक असमानताएं, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। ठीक है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय मतलब कि जो पर कैपिटा इनकम की बात यहाँ पर बोली गई है वो किससे प्राप्त करी जाती है, तो वो करी जाती है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हो गया, आपकी होगी नेशनल इनकम, ठीक है, और पॉपुलेशन। अब ये कैसे, देखिए जो पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। ठीक है, क्या होता है, नेशनल इनकम और नीचे जनसंख्या से हम डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमारी आ जाती है हमारे पास प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली एवरेज अगर हम लेकर चलें कि प्रति व्यक्ति की आय जो है लगभग लगभग इतनी ही होगी। सब अगर हम एग्जांपल से लें कि अगर मान लें कि हर प्रति व्यक्ति की आय 1000 रुपये है, तो हर इंसान की हम ये एस्टिमेट करके चलेंगे कि सबकी आय 1000 रुपये ही है, तो इसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय मतलब कि पर कैपिटा इनकम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। ठीक है,
कौन करता है? तो वो करता है आपका CSO, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो आपकी नेशनल इनकम है उसके जो आकलन है यही एकत्रित करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए उस पर जाने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि बच्चों के लिए हमारे चैनल पर और भी सीरीज़ चलाई जा रही हैं, जैसे कि हमारी पहली सीरीज़ है बिहार स्पेशल सीरीज़, जिसमें कि हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो करवा ही रहे हैं, साथ में जो बिहार का जो स्टैटिक पार्ट होता है जैसे कि आपकी हिस्ट्री हो गई, मतलब जो इतिहास है उसको हम लोगों ने केवल 3 वीडियोज़ में कवर करा है। बिहार की स्पेशल हिस्ट्री है, आप जाकर ज़रूर देखिए, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। फिर आती है हमारी बिहार की ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल, वो भी हमारी सीरीज़ चल रही है, वो भी हम लोग अभी कंप्लीट करवा ही देंगे कुछ दिनों में। अगर आपको बिहार की केवल बिहार के करंट अफेयर लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर चाहिए तो उसकी वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दी, आप जाके उसको देख सकते हैं। और बिहार के मंथली करंट अफेयर भी हम लोग रेगुलर लेकर आते रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ है ये हमारा बिहार के लिए ही डेडिकेटेड है। फिर हमारा NCERT की सीरीज़, NCERT की सीरीज़ को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले है हमारा NCERT डिटेल एनालिसिस, फिर हमारा NCERT MCQ। डिटेल में हम लोग क्या करते हैं, जो NCERT के जो चैप्टर्स होते हैं क्लास वाइज, ठीक है, कक्षा के अनुसार जो चैप्टर्स हमारे होते हैं उन सभी को हम लोग नोट्स भी देते हैं आपको, फिर डिटेल में पूरा एक पॉइंट्स टू पॉइंट्स आपको पढ़ाते हैं। हमारा जो 6ठी क्लास है, 7वीं 8वीं और लगभग 9वीं भी ख़त्म होने ही वाली है, इन सभी क्लास की हम लोगों ने भूगोल जो है ज्योग्राफी कम्प्लीट करा दी है। और फिर इससे बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं NCERT से वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लेकर आते हैं। तो NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी आप पेपर दे रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और आपका जो फाउंडेशन होता है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर ये NCERT ही प्रिपेयर करती है। तो हमारे चैनल पर ये जो NCERT की सीरीज़ बल्कि जितनी भी सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तब का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, ठीक है। फिर है हमारी मंथली मैगजीन, मतलब कि जो महीने के हम लोग हर महीने के एंड में आप सभी के लिए वन लाइनर्स के रूप में, ठीक है, वन लाइनर्स के रूप में आपके लिए मंथली मैगजीन लेकर आते हैं, ठीक है। ट्रिक्स की वीडियो आपको मिल जाएगी, मेंस की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है उसकी वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप हमारे कम्युनिटी में जाते हैं तो आपके लिए रेगुलर हम लोग क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस यहीं पर कर लेंगे तो एग्जाम में जाकर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी सीरीज हमारी है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठाइए, चैनल में जाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्लास्टिक मुद्रा की बात हुई है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्लास्टिक मुद्रा का मतलब है प्लास्टिक मनी, ठीक है। अब ये देखिए अगर मैं आपको आंसर भी नहीं बताऊँगी ना तो आपको इसका आंसर पता पड़ जाएगा कि जो प्लास्टिक मनी का मतलब क्या है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो हम लोग लेकर चलते हैं उसी के बारे में बात करिए। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या है, ऐसा पैसा जो कि प्लास्टिक के रूप में उपलब्ध है, तो ये हमारा हो गया प्लास्टिक मनी मतलब कि क्रेडिट कार्ड। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, यहाँ पर उनकी मृत्यु के बारे में पूछा गया है। तो ये हुई थी हमारी पावापुरी में, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, ये हमारी हुई थी पावापुरी में। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी महावीर जी की, महावीर जैन की, ये 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, पावापुरी में हुई थी। अब पावापुरी कहाँ है, वो आपका जो बिहार में राजगृह है ना उसके पास ही आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें कि मृत्यु का जो सन था वो था 468 ईस्वी में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर है आपका बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया जहाँ पर पूछा गया, बोध गया में महाबोधि बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और कौन सी एज में हुआ था, तो वो हुआ था उनको 35 साल की एज में हुआ था। अब ये जो ज्ञान है उनको एकदम नहीं प्राप्त हुआ था बल्कि 6 साल की कड़ी तपस्या करने के बाद इनको महात्मा बुद्ध जी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए अब है हमारा शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज करा। अब देखो शुंग वंश के बाद पूछ रहा है कि किस वंश ने भारत पर राज करा, तो ये करा था कन्वा वंश ने। अब ये जो कन्वा वंश था, ठीक है, तो इनकी ये पूछ सकते हैं कि इसका जो संस्थापक था, ठीक है, ये कौन था, तो ये था आपका वासुदेव, ठीक है। चलिए अब है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। अब देखो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अशोक के शासनकाल में पूछा गया है कि जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल थी,
ठीक है, जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पर आयोजित की गई। तो पहले हमारा आंसर है कि ये आपका पाटलिपुत्र में करी गई। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है, अशोका के टाइम पे ये थर्ड बुद्धिस्ट, मतलब कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब कि तीसरी बौद्ध सभा थी जो कि अशोका ने पाटलिपुत्र में, अशोका ने पाटलिपुत्र में करवाई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे जो अध्यक्ष थे तो वो थे मोगलीपुत्र तिस। कौन थे ये, थे हमारे मोगलीपुत्र, एक मिनट, मोगलीपुत्र तिस। ये आपसे पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, और आज से पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन आपके लिए करवा चुके हैं। फिर है हमारा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अब देखो जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखी है, वो कौटिल्य ने लिखी है, तो यहाँ पर यही पूछा है कि किस चीज़ के बारे में लिखी है, इसमें टॉपिक्स क्या हैं, तो वो है आपका राजनीतिक नीतियाँ, मतलब कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के बारे में ये बोला गया है। यहाँ पे इसके बारे में बोला गया कि राजा कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये सभी जो बातें हैं वो अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी ने बताई हैं। फिर हमारा गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। अब देखो गौतम बुद्ध जी हैं, उनको बोला एक देवता का स्थान किसके युग में प्राप्त हुआ, तो वो हुआ था कनिष्क के युग में, ठीक है। किसके युग में हुआ था, वो हुआ था आपको कनिष्क के युग में। अब जो कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म की महायान, ठीक है, जो महायान शाखा था उनका अनुयायी थे। अब ये जो कनिष्क हैं इन्होंने ही इनके टाइम पर जो संगति हुई थी वहाँ पर बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया था। अब क्या क्या बांट दिया गया था, एक थे हीनयान और एक थे महायान, ठीक है, एक थे हीनयान और एक थे महायान। तो कनिष्क ने ही बौद्ध गौतम बुद्ध को देवता के का स्थान प्राप्त हुआ था। अब है यहाँ पर कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा, ठीक है, वो लिखा है आपका कालिदास ने। किसने लिखा, तो ये लिखा है कालिदास ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन पहले ही पूछा ये जा चुका है। फिर तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। अब पूछा है कि तैमूर, ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किसका राज आया, तो ये आया था आपका सैयद वंश, ठीक है, तैमूर के बाद कौन आया, सैयद वंश आया। अब है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, ठीक है, यहाँ पूछा है कि सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे, तो वो थे फिरोज़ तुगलक, ठीक है, फिरोज़ तुगलक। अब देखो फिरोज़ तुगलक थे, इन्होंने दीवान, ठीक है, दीवान ए बंदगान, ठीक है, दीवान ए बंदगान करके एक विभाग भी खोला था। अब ये जो विभाग था ये स्पेशली केवल दासों के लिए ही था, ठीक है, तो इसी चीज़ से हमें पता पड़ता है यहाँ पर, और भी इनके बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि फिरोज़ तुगलक ने ही अपने उनके दरबार सबसे ज़्यादा गुलाम थे। चलिए अब है हमारा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, ठीक है, बेरोजगारों को रोजगार किसने दिलवाया, तो ये दिलवाया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, देख लेते हैं ये आंसर हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब कि MBT ने, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उनको MBT भी बोला जाता है। अब लिखा है कि निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था, तो वो दिया था फरुख सियार ने। किसने दिया था, तो ये दिया था आपका फरुख सियार ने, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कूका आंदोलन को किसने संगठित करा था। अब देखो यहाँ पर जो पूछा गया है कि जो आपका कूका आंदोलन है उसका संगठन किसने करा था, तो ये करा था आपका गुरु राम सिंह ने, ठीक है, किसने करा था, गुरु राम सिंह ने। अगर हम कूका मूवमेंट के बारे में बात करें, ठीक है, कूका आंदोलन के बारे में बात करें, तो ये 1840 में इसको चलाया गया था। अब आपसे ये बोला जाए कि इसको किसकी शुरुआत किसने करी थी, तो वो करी थी आपकी भगत जवाहर मल ने करी थी, लेकिन यहाँ पर संगठित पूछा है तो इसलिए नाम है आपका गुरु राम सिंह। अब है कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो वो किया था बिहार से। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपको करवा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फिर है 1857 ईसा के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। यहाँ पूछा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय कौन से उर्दू कवि जिंदा थे, उन्होंने देखा था, तो वो थे आपके गालिब।
फिर यह निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ठीक है, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था कब 1857 के विद्रोह में? तो वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। ठीक है, जो मुंडा विद्रोह है आपका, ठीक है, जो आपका मुंडा विद्रोह है, ये कब खड़ा हुआ था? 1895 में ये विद्रोह हुआ था। अब है भारत संघ, मतलब कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक पूछा गया है। जो इंडियन एसोसिएशन है उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब देखो, इंडियन एसोसिएशन है, ठीक है, ये 1876 में ये बनाई गई थी। किस किसने बनाई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, साथ में आनंद मोहन ने ये एसोसिएशन बनाई थी। ठीक है, कभी नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी ना आए, अगर आनंद मोहन दे रखा है तो उसको भी हम सही बोलेंगे। सन इसका 1876 है। फिर इलाहाबाद संधि के बाद, ठीक है, इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो वो बनाया था मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, और जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, ये, ठीक है, ये आपको इंग्लिश में देख लेना चाहिए अगर इंग्लिश मीडियम बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, तो इसका जो सन था वो था 1765। चलिए, अब है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो वो आपका है पील आयोग, ठीक है, पील कमीशन, ठीक है, पील कमीशन। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। अब देखो यहाँ पर पूछा है, जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेकंड सेशन हुआ था, उसकी जो प्रेसिडेंटशिप करी थी, अध्यक्षता करी थी, वो किसने करी थी? तो वो करी थी आपके दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, सेकेंड सेशन। अगर हम बात करें तो सेकेंड सेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1886 में। और कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा बंगाल विभाजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। तो यही पूछा गया कि बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 15 अक्टूबर 1905 में। अगर हम बात करें, 16 अक्टूबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। अगर हम बात करें इसकी जो घोषणा करी थी, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो घोषणा करी थी वो लॉर्ड कर्जन ने करी थी। लॉर्ड कर्जन ने करी थी, कब करी थी? जुलाई 1905 में घोषणा कर दी थी। लेकिन विभाजन जो हुआ था वो 16 अक्टूबर, कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन हो गया था। ठीक है, तो डिमार्केटेड कर दिया मैंने आपको, घोषणा जुलाई में हुई थी और जो विभाजन हुआ था, डिवीज़न जो हो गया था आपका, वो 16 अक्टूबर को हो गया था। चलिए, अब ये राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलिए, ठीक है, नरम दलिए के तौर पे नहीं जाना जाता है। नरम दलिए का मतलब क्या होगा? यहाँ पे मॉडरेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे किसके बात करें? मॉडरेटर्स के बारे में बात करें, जो नहीं था। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, मॉडरेटर्स नहीं थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, चलिए, अब है जवाहरलाल, एक मिनट, ये है जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की? ठीक है, जनरल डायर के बारे में बात करी है कि किसने गोली मारकर हत्या करी, तो वो करी थी उधम सिंह ने। ठीक है, उधम सिंह ने डायर की हत्या करी थी। अब ये अगर हम बात करें कब करी थी, तो ये करी थी आपकी 13 मार्च 1940 में। ठीक है, ये आपको मैच करने के लिए भी आ जाते हैं, इसलिए हम लोगों को डेट और ईयर भी हमें याद रखना चाहिए। अब ये क्यों करी थी? क्योंकि उधम सिंह को जलियांवाला बाग में ये भी प्रेजेंट थे। ठीक है, उधम सिंह जब जलियांवाला बाग आपका हुआ था उस टाइम पे ये बच्चे थे, प्रेजेंट थे, तो वहीं से इन्होंने ये ठान लिया था कि जो आपका जो जनरल डायर है वो जलियांवाला बाग को कराने में रेस्पॉन्सिबल था, उसी की वजह से हुई थी। तो उन्होंने ठान लिया था कि मैं इसको मार के ही रहूँगा, तो उधम सिंह ने डायर सिंह को 1940 में मार दिया। चलिए, अब है भारत छोड़ो आंदोलन का जो लीडरशिप थी वो किसने करी? ठीक है, अब इनमें से कोई भी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने? देखिए, जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है वो आपको 1942 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि 9 अगस्त की जो सुबह हुई थी, जो मॉर्निंग हुई थी, क्योंकि 8 अगस्त की रात को ये बोल दिया था कि हम लोग 9 अगस्त को, 8 और 9 अगस्त को हम लोग यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेकिन अंग्रेज़ों ने 9 अगस्त की मॉर्निंग में ही जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे कि हमारे गांधी जी हो गए,
ठीक है। बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी के साथ जो भी प्रमुख नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। तो इसीलिए जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसी ने नहीं करा था। जब सभी के सभी लीडर्स अरेस्टेड थे तो उनका जो लीडरशिप कौन करता ये नहीं करा था। फिर है करो या मरो का मंत्र किसने दिया, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। कब दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था ये, इस कब करा था, इसका मतलब क्या है डू और डाई का, इसका मतलब है कि हम लोग, ठीक है, हम लोग भारत को आज़ाद कराएंगे, ठीक है, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे नहीं तो इस कोशिश में ही मर जाएंगे, ठीक है, इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। करो या मरो की जो फिलॉसफी थी ये अपनाई थी अब, ठीक है, ये गांधी जी ने ही दी थी। चलिए अब है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी, आज़ाद हिंद फौज की बात करी है, ठीक है, एक मिनट, कहाँ पर की गई थी, कहाँ पर करी गई थी, तो ये करी गई थी सिंगापुर में। कहाँ करी गई थी, सिंगापुर में। कब करी गई थी, तो ये करी गई थी आपकी 1943 में करी गई थी। और किसने करी थी, तो ये आपकी करी थी रास बिहारी बोस ने, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि नहीं ये तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, नहीं ये आपका क्वेश्चन आंसर गलत है। इसकी आज़ाद हिंद फोर्स की जो स्थापना करी थी वो रास बिहारी बोस ने ही करी थी। चलिए फिर है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, ठीक है, कब फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 में, 23 मार्च 1931 में फांसी इनको दे दी गई थी। अब कौन सा ऐसा केस था जिसके अंदर ये दी गई थी, पहली बात तो ये है कि इनको फांसी लाहौर में दी गई थी। जो केस था वो जो केस था इनका सॉन्डर्स हत्याकांड की, ठीक है, उसके अंदर इनको दी गई थी, साथ में लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, लाहौर है आपका षड्यंत्र, इन दोनों केस के अंतर्गत इनको फांसी दी गई थी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे गरम दल पूछा है, गरम दल मतलब क्या है, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, जो कि जो थे आपके अरविंद घोष, लेकिन जो दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले और एस एन बनर्जी, ये जो थे ये आपके मॉडरेटर्स थे, मतलब कि नरम दल से रिलेशन रखते थे। अब है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई, ठीक है, कौन सी मिशन की बात कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन की किसके द्वारा करी गई थी, तो ये था आपका पी लॉरेंस के द्वारा। अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की तो ये आपका दिल्ली कब आया था, अगर दिल्ली की बात करें तो 24 मार्च 1946 में, मतलब कि 1946 में ये दिल्ली पहुंचा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉरेंस तो थे ही, लॉरेंस के साथ दो लोग और थे, वो कौन कौन से थे, तो एक थे क्रिप्स और दूसरे थे अलेक्जेंडर, ठीक है। चलिए फिर हमारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो ये दिया था भगत सिंह ने। फिर 7 दिसंबर 1942 को भी योगेंद्र शुक्ल को कहाँ लाया गया, ठीक है, 7 दिसंबर 1942 की बात हो रही है, तो ये लाया गया आपका पटना में, ठीक है, कहाँ लेकर आया गया, पटना में ये लेकर आया गया। अब देखो 9 अगस्त, ठीक है, 9 नवंबर की बात हो रही है, 9 नवंबर 1942 की बात है, तो उस टाइम पर हजारीबाग जेल से योगेंद्र शुक्ल भाग गए थे जयप्रकाश नारायण के साथ, दोनों भाग गए थे, लेकिन 7 दिसंबर 1942 में योगेंद्र शुक्ल को पटना लाया गया था। और पटना लाने के बाद इनको कहाँ भेज दिया गया, इनको भेज दिया गया बक्सर की जेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, यहाँ पूछा है जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है उस पर कितने आइलैंड हैं, तो ये हैं आपके 36 आइलैंड। चलिए अब है भारतीय प्रामाणिक समय, ठीक है, भारतीय प्रामाणिक समय मतलब कि IST एवं ग्रीनविच माध्य समय, ठीक है, ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर पड़ता है, तो ये आपका 5.5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पूछा है कि असम में कुल मिलाकर कितने राज्य, असम जो है वो कुल मिलाकर कितने स्टेट्स, राज्य या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी से घिरा हुआ है, तो ये घिरा हुआ है आपका 7 से, ठीक है, 7 से कौन कौन सा हो गया, एक हमारा हो गया वेस्ट बंगाल मतलब कि पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, फिर है आपका एक हो गया आपका मेघालय, ठीक है, मेघालय हो गया, फिर है आपका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, फिर है आपका मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, तो ये आपके लगभग ये 7 हो जाते हैं।
फिर है मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलिया तैलिया बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तिलैया बैंड बांध जो है वो किस पर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है आपके बराकर नदी पे, मतलब कि बराकर रिवर पर। अब है कि ये नहीं करना है, 60वां करना है कि त्रिवेणी नहर, ठीक है, में किस नदी से पानी आता है, तो वो आता है आपका गंडक से। जो गंडक आपकी रिवर है उससे त्रिवेणी नहर में, मतलब कि जो आपकी त्रिवेणी कैनाल है, ठीक है, उससे गंडक नदी से पानी आता है। चलिए अब है हमारा भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। भांगड़ा नांगल बांध जो है डैम है वो कौन सी नदी पर बना है, तो वो बना है आपका सतलुज नदी पर। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। यहाँ पूछा है कि हर मिनट में जब हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज की तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्यूशन करती है, तो उस समय वो कितनी दूरी तय कर लेती है हर मिनट में, तो हर मिनट में वो लगभग 49 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, 49 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेती है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों से पाई जाती हैं, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है, शिखर है, पीक है, वो कौन से टाइप के जो माउंटेन होते हैं उनमें पाई जाती है, तो वो आपके होते हैं नवीन मोड़दार पर्वत, मतलब यहाँ पर बोला गया है यंग फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि हमारा क्या है, जैसे कि हमारा हिमालय है, ठीक है। आपको पता है जो हमारा हिमालय है वो नवीन मोड़दार पर्वत है। अब इसी हिमालय में आपको मिलता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है जो कि सबसे ऊंची विश्व की चोटी है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जल प्रताप, मतलब कि जो फॉल्स है हुंडरू फॉल, किस जगह पर, किस जगह के पास है, तो वो है रांची के पास। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुदगी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है, तो ये है कनाडा। चलिए अब है इसमें कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। शुष्क मतलब यहाँ पूछा है जो ड्राई लैंड होते हैं आपके, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वहाँ पर हमें कौन सी क्रॉप ज़्यादा उगानी चाहिए, तो वो उगती है आपकी मूँगफली। चलिए अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो ये है आपका कॉन्गो। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको पहले भी हम लोग ये करा चुके हैं। अब है आपका एक मिनट, फिर है हमारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा जो संविधान है वो हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब कि संसद, सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं है, ये सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नीचे ही आते हैं। चलिए क्योंकि ये भी सभी, इन सभी को हमारा संविधान ही चलाता है। अब है हमारा निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, मौलिक कर्तव्य मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करी गई है, तो ये है हमारा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उसका महत्व प्रदान करना। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो आज की डेट में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि, और कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद है आपका 51A, ठीक है, और जो पार्ट की अगर हम बात करें तो पार्ट है आपका 4A। चलिए अब है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार। अब देखो यहाँ पर ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, उस टाइम पे आपका 10 आचार थे फंडामेंटल ड्यूटी के, लेकिन आज की डेट में ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई हैं, और जो हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आपके 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये ऐड करी गई थी, तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा, आज की डेट में 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब है राज्यसभा का सभापति कौन है। अब राज्यसभा के सभापति के बारे में बात करी गई है, तो वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन है राज्य सरकार का। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बोला है कि चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट के बारे में बात करी गई है, तो ये कौन होता है, तो ये होता है गवर्नर, मतलब कि राज्यपाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे, वो थे बिहार से,
कब कहाँ से थे, वो थे बिहार से, जिनका कि नाम हम सभी को पता होना चाहिए, तो वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब है कि यहाँ पे पूछा है कि मोमेंटम और वेग, ठीक है, मतलब कि संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो वो की जाती है आपके द्रव्यमान। अगर हम बात करें जो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का होता है एम इंटू वी, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों ने बात करी है कि जो आपका मोमेंटम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो यहीं पर ये पूछा गया है हमसे क्वेश्चन। फिर है यहाँ पे बल गुणनफल है, बल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पूछा है कि फोर्स, फोर्स किसका गुणनफल है, एम इंटू ए, मतलब कि मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान तथा त्वरण का। ठीक है, द्रव्यमान मतलब कि मास, एक्सेलरेशन मतलब हो गया त्वरण। अब पूछा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी राशि वो वेक्टर नहीं है, कौन सी राशि वेक्टर नहीं है, तो वो है आपका आयतन। अब है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, मतलब ये पूछा है कि 1 किलोमीटर में मतलब होते हैं आपके 1000 मीटर आपके होते हैं। फिर है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, यहाँ पे त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन का बोला है, कौन सा फार्मूले से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो इसका सही फार्मूला है ये। चलिए अब है यहाँ पर जो दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, मतलब ये आपकी वेव है। अब यहाँ पूछा है कि जो आपका जो क्रस्ट है, ठीक है, ये आपका क्रस्ट हो गया, कि दो क्रस्टों की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो ये हम बोलते हैं वेवलेंथ, ये आपको बोलते हैं वेवलेंथ, ये हमारा होता है ट्रफ, नीचे की जो होता है ये आपका ट्रफ होता है। चलिए फिर है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये आपका होता है बीटा कण में, किसमें होता है, बीटा कण में। अब है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या, मतलब यहाँ पर पूछा है इसका, उसका जो भी एलिमेंट हमें दे रखा है उसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास आपका होगा 4। अब इसको समझ लेते हैं कैसे, अब ये देखिए जो हमारा जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके साइड बाय साइड घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ पे हमारा 2 + 2 तो हमारा हो गया 4। लेकिन अगर हमसे एटॉमिक नंबर की बात करी जाती है, एटॉमिक नंबर हमारा बराबर होता है प्रोटॉन के बराबर, तो अगर इसी एलिमेंट का अगर हम बात करें तो प्रोटॉन 2 है, तो एटॉमिक नंबर 2 हो गया, तो हम निकाल सकते हैं ये आपका हो गया हीलियम। ठीक है, ये हमसे पूछा नहीं, लेकिन मैंने समझा दिया है। फिर टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, टेलीस्कोप की खोज किसने करी, वो करी आपकी गैलीलियो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने करा था, तो ये आपका करा था राइट्स ब्रदर ने। ठीक है, ये किसने करा था, राइट्स ब्रदर ने, हवाई जहाज़ का जो हम आजकल आसमान में जो हवाई जहाज उड़ते हुए देखते हैं ना, हवाई जहाज उड़ते हुए देखते हैं, ये इनकी राइट्स ब्रदर्स की ही खोज थी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स संरूपण, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन धातु तत्वों के लिए है, धातु तत्व का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मेटल के लिए पूछा गया है, कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो मेटल के लिए है, तो ये आपका है 2882। मतलब देखिए जो धातु होता है, मेटल होता है, वो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको देने के लिए बोलता है, कि देने के लिए राजी रहता है, वो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। ठीक है, अब ये जो दो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए और सी, ये आपके नोबल गैस के हैं। ठीक है, नोबल गैस कैसी गैस, जो कि जिसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, जिनको ही स्टेबल है ये, और जो ऊपर वाला रिएक्शन है यहाँ पर क्या है, ये आपका नॉन मेटल है। ठीक है, जो धातु नहीं है, जो नॉन मेटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेने के लिए तैयार रहता है। चलिए फिर है तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, वो है आपका बेसिक और एसिडिक। ठीक है, बेसिक और एसिडिक के बारे में बात करी गई है। अब यहाँ पर है कि एक तत्व एक्स के जो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक का सूत्र क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे कोई एक्स एलिमेंट है, अगर हम देखें उसकी आउटर जो शेल है वहाँ पर उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम हाइड्रोजन के साथ इसको बनाते हैं तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होगा, तो ये आपका होगा XH4। क्या होगा, XH4। हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो मिलकर ये हमारा बना लेगा AXH4।
फिर है हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, अणु का आकार यहाँ पूछा है। जो आपका जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ठीक है, हेक्साफ्लोराइड, उसकी शेप पूछी है कि इसकी शेप क्या होती है। उसकी शेप आपकी अष्टफलीय के, मतलब कि ऑक्टागोनल। फिर है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका से निकलती हैं, तो ये आपकी जोड़ी निकलती है 33। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, अब देखिए, जैसे कि ये हमारा जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड का मतलब है केशुरुक रज्जू, ठीक है, ये हमारा हेड है, ये हमारा हेड होगा, तो यहाँ से जो पीछे से जो रीढ़ की हड्डी है उसी के आसपास के स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ पर बोला है कि कितने जोड़ों में ये स्पाइनल कॉर्ड में तंत्रिकाएँ निकलती हैं, तो इसके 33 जोड़े होते हैं। अब यहाँ पर कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, मतलब कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण तंत्र है वो कहाँ पर होता है, तो ये भी स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, ठीक है। अब है थायरॉइड ग्रंथि से थायरोक्सिन, थायरॉइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अतः स्रावी हार्मोन कौन सा है, तो वो है आपका TSH। कौन सा है TSH, मतलब कि थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायरॉइड से ही रिलेटेड का नाम भी है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर है फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो ये होती है आपकी ओविडक्ट में, ठीक है, मतलब कि अंडवाहिनी में फर्टिलाइजेशन होता है। अब है यहाँ पर बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की पुराना है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ये रहा कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पे जमशेदपुर के बारे में बात करी है, तो ये कौन सी नदी पे है, वो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो है आपका बौद्ध गया। चलिए ये भी नहीं करना, हम डायरेक्ट हमें करना है 105 नंबर का। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, कौन सा अखबार था, तो वो था आपका इंडियन नेशन। कौन सा अखबार हो गया, ये आपका हो गया इंडियन नेशन का जो प्रकाशन है, पब्लिकेशन है, वो आपका पटना से होता था। फिर है हमारा कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, जगत नारायण लाल किस जेल में भेजा गया था, तो उनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में। कौन सी जेल में भेजा गया था, बांकीपुर जेल में। रामचंद्र शर्मा किस गाँव से थे, तो ये थे अमराहा गाँव से। श्री नरसिंह नारायण क्या थे, वो क्या थे, वो थे समाजवादी थे, ठीक है। हाल ही में बिहार, ये नहीं करना हमें, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंध रखते थे, तो वो थे आपके समाजवादी पार्टी से, मतलब कि सोशलिस्ट पार्टी से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें है झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए। यहाँ बोला है कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट ज़िले रह गए, तो वो रह गए 37 ज़िले। अब है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में झारखंड बनने के बाद कितने ज़िले रह गए, तो वो रह गए थे 37, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो 38 ज़िले हैं हमारे बिहार में। अगर बिहार की मुख्य खाद्य फसलों की बात करें, मतलब कि जो मेन फूड क्रॉप्स हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, तो वो है आपकी चावल, गेहूँ और मक्का ही ज़्यादा खाया जाता है। फिर इनमें से कौन सा कथन सत्य है, अगर हम कथन सत्य की बात करें, तो बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। देखिए बिहार शब्द का बोला है कि हमारा जो बिहार राज्य है उसका नाम बिहार क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध मठ बहुत ज़्यादा था, बौद्ध मठ जो थे बहुत ज़्यादा थे, और इसी बौद्ध शब्द से बिहार नाम पड़ गया बिहार, ठीक है, का शब्द अर्थ बिहार का शब्द ही का अर्थ ही बौद्ध मठ है। चलिए अब है बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य से राजधानी बना है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है, तो ये था रांची। अब है यहाँ पे ये नहीं करना हमें, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर्स हैं जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए फिर है हमारा नेक्स्ट है हमारा लास्ट ये वाला क्वेश्चन है कि लिब्राहन जाँच कमीशन किससे संबंधित है, तो ये है आपकी बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से, ठीक है। फिर है आपका जो अमिता रॉडिक किसकी लेखिका हैं, ठीक है, अमिता रॉडिक की लेखिका किस चीज़ की हैं, तो इन्होंने लिखा है बिजनेस एंड अनयूजुअल। चलिए
हमें सामाजिक आधिकारिकता स्मृति दिवस कब मनाया गया? अब इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यहाँ पूछा है सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट डे है वह कब मनाया जाता है, तो ये 20 मार्च को ये मनाया जाता है। चलिए ये भी पुराने ही क्वेश्चन है हमारे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर 15 मार्च को ये मनाया जाता है। मतलब कि जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है, ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है ये हमेशा 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब हमारे राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो बस कितना सिंपल क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो वो जयपुर है। गुजरात की राजधानी क्या है, तो ये आपकी गांधीनगर है। अब है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, प्राकृतिक मतलब कि यहाँ पे नेचुरल की बात करी है, कौन सा नहीं है, तो वह है आपका विद्युत। देखो सूर्य खुद हमें हर रोज मिल जाता है, मतलब सुबह शाम हमें सुबह सुबह सूर्य देखने को मिलता है। अब जो कोयला है, कोयला भी हमें अर्थ में ही मिल जाता है, पृथ्वी में ही कहीं ना कहीं मिल जाता है। लकड़ी भी हमें पेड़ों से मिल जाती है, लेकिन क्या विद्युत हमें मिलती है, नहीं मिलती है, विद्युत हमें खुद बनानी पड़ती है। तो यही पूछा गया है, ये निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो ये आपकी विद्युत नहीं है। अभी आपके सारे घर जो क्वेश्चन हैं वो आपके मैथ से रिलेशन रखते हैं, ठीक है, अगर आप इनके प्रैक्टिस भी करें तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 45 मतलब कि जो 45वां पीटी का जो क्वेश्चन पेपर था, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए इसको, ठीक है, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। और कोई भी सजेशन है तो आप इसको हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, जिससे कि आपको ये सारी वीडियोज़ हैं, सीरीज़ आप उनको फॉलो कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।